राष्ट्रीय कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारकर हत्या करने के विरोध में राजपूत समाज ने हत्यारों को फांसी की मांग करते हुए प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। राजपूत समाज कर्णी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी को गोली मारकर निर्मम हत्या किए जाने से लोग नाराज हैं। इस हत्याकांड व विरोध में परासिया राजपूत समाज ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और हत्यारों को फांसी की मांग की। हत्यारों पर तुरंत कार्रवाई नहीं होने पर 15 दिनों बाद कर्णी सेना पूरे देश में उग्र आंदोलन करेगी। जो दादा सुखदेव सिंह गोगामणि जी की निर्मम हत्या छल और कपट के साथ की गई, उन्होंने अपनी सुरक्षा मांगी थी। राजस्थान सरकार ने 2 दिन तक उनकी सुरक्षा देने के बाद सुरक्षा वापस ली। उसके पश्चात छल कपट पूर्वक उनके घर में जाके उनको धोखे से गोलियों से मारा गया और ये इस कृत्य की हम समस्त राजपूत क्षत्रिय समाज संगठन क्रेंच कनाल घोर निंदा करते हैं और प्रशासन से चाहते हैं कि इसकी सत्यता को सम्मुख लाया जाए। हो सकता है इसमें किस प्रकार के षड्यंत्र हैं, क्योंकि जाट और राजपूतों को लड़ाने का भी उसमें एक षड्यंत्र आई और यह जो कृत्य किया गया उसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम से समाज की ओर से ज्ञापन दिया गया है और उस ज्ञापन के माध्यम से हम शीघ्र अति शीघ्र चाहते हैं कि उन हत्यारों को कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करके फांसी की सजा दी जाए। यदि 15 दिन के अंदर उनके प्रति कोई कार्रवाई नहीं हुई तो हम पुनः शीघ्र उग्र आंदोलन इस राष्ट्र में जो होगा उसका जवाबदार भारत सरकार और प्रशासन होगा। स्थिति के स्तर के लोग थे जो 36 कौम के लिए सोचते थे, हर जाति के लिए वो अच्छा काम करते थे, रात रात जग के दूसरों के लिए सेवा करते थे। उनने अपना परिवार ज़्यादा नहीं देखा, उनने अपनी ज़िंदगी ज़्यादा नहीं देखी, उनकी 2 छोटी बच्चियाँ और उनकी पत्नी को उन्हें छोड़ के गए हैं। हम चाहते हैं कि उनको पूरा न्याय मिले। हम छत्राणी उनके लिए साथ खड़े हैं और उनको पूरा पूरा न्याय मिलना चाहिए, हम ये चाहते हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।